بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اند جولي. तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस पावर एक्स बाई एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को करते हैं. सबसे पहले हम फंक्शन पुट करेंगे y इज इक्वल टू ई रेस पावर x. e के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये e है क्या चीज़. ठीक है, इस e को हम कहते हैं ऑयलर्स नंबर. ऑयलर्स नंबर ये एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 2.718 समथिंग समथिंग समथिंग. ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये चलता ही जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बेसिकली ई क्या शो करता है, ई हमें नेचुरल ग्रोथ को शो करता है. ठीक है, नेचर में आप देखें हर चीज़ जो है वो ग्रो कर रही है. ठीक है, तो इस ग्रोथ को शो करता है ये ई. ठीक है, तो मैक्सिमम किसी चीज़ में अगर हम हर सेकंड किसी चीज़ की अगर हम ग्रोथ को हर सेकंड कैलकुलेट करें तो वो मैक्सिमम कितना ग्रोथ उसमें हो सकती है, तो वो ये नंबर आएगा 2.718. ठीक है, तो आज हम इसी नंबर का डिफरेंशिएशन करने पे देखेंगे कि क्या आता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. y इज इक्वल टू ई रेस पावर x. अब हम क्या करते थे, इसको इक्वेशन नंबर वन पुट करते थे, फिर इसका मान लेते थे कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रही है. तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो इंक्रीमेंट कहाँ होगी, ये x में होगी क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है. ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे x में थोड़ी सी चेंजेस हो रही है जिसकी वजह से ये चेंज होकर कितना बन रहा है, डेल्टा x. तो इसी के साथ साथ हमारा y में भी चेंज होगा, फंक्शन में भी चेंज होगा, तो ये बनेगी डेल्टा y. तो हमारा इक्वेशन बनेगा डेल्टा, ये हमारा इक्वेशन बनेगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू e रेस पावर x प्लस डेल्टा x. ये इक्वेशन बनेगी, इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, अब हम क्या करते थे, अब हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते थे. ठीक है, बिल्कुल एब इनिशियो मेथड जिस तरह से हमने पहले दो किया था बिल्कुल इसी तरह से करना है. फिर हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट इधर मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. ठीक है, फर्स्ट को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू e रेस पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेस पावर x. यही आया, और यहाँ पे माइनस y प्लस y क्या हुआ, कट हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा डेल्टा y इज इक्वल टू e रेस पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e रेस पावर x. यही बचा. अब यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, e रेस पावर x इंटू e रेस पावर डेल्टा x. क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए बेस आर सेम, पावर क्या होता है, एट होता है. तो मैं अगर मैं यहाँ पे क्या बेस सेम है तो पावर क्या होगा, फिर से ऐड होगा, तो यही इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली. ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे आएगा e रेस पावर x. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे e रेस पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ e रेस पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पे अंदर बचा e रेस पावर डेल्टा x माइनस, यहाँ पे e रेस पावर x कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे बचा 1. ठीक है, अब हम क्या करते थे, अब हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते थे फिर इसके बाद लिमिट पुट कर देते थे. ठीक है, फिर अब मैं इसको डेल्टा x डिवाइड कर रहा हूँ, डेल्टा x से मैं यहाँ इस साइड भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इस साइड भी इसको डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ दोनों साइड, अब मैं इस साइड भी लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, इस साइड भी मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो. ठीक है, अब इस चीज़ को हम लिखते थे dy by dx, लेबनीज नोटेशन, dy अपॉन dx. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा e रेस पावर x लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो
e raise power delta x minus 1 divided by delta x. देखिए यहाँ पे मैंने लिमिट को e raise power x पे पुट नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको यहाँ पे ही पुट किया. क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा x जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. तो यहाँ पे क्या चेंज, क्या क्वांटिटी चेंज होगी, ये और ये चेंज होगी. x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने x को जो है वो बाहर निकाल दिया. ठीक है, क्यों? क्योंकि x के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा x जो है वो चेंज हो रही है, डेल्टा x जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बनेगी हमारी dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी जो है किसकी बराबर होती है, ये पूरी क्वांटिटी होती है 1 के बराबर. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचा e रेस पावर x. ठीक, तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को e रेस पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है, फिर से वही क्वांटिटी वापस आती है. ठीक है, तो ये एक वाहिद ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी वही क्वांटिटी वापस हमें मिलती है. ठीक है, तो ये याद रहना. यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा कि ये क्वांटिटी क्यों 1 के बराबर है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ठीक तरह से देखना. यहाँ पे देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, इसका क्या मतलब होता है कि जो डेल्टा एक्स है उसकी वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है, ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. ठीक है, अब मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक आपको नंबर लाइन, इंटीजर लाइन बना के दिखाऊंगा. मान लीजिए इंटीजर लाइन पे ये ज़ीरो है, ये हमारा 1 है. तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू किस तरफ जा रही है, ज़ीरो की तरफ. ज़ीरो नहीं होगा लेकिन ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. ठीक है, मतलब ज़ीरो के बिल्कुल करीब होगा. ठीक है, अब ज़ीरो और 1 के बीच में क्या आता है, हमें पता है 0.1, फिर आता है 0.2, फिर आता है 0.3, इसी तरह से आता जाता है 0.9 तक. ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम इन करूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके अंदर ले जाऊँ. ठीक है, यहाँ पे 0 था, अब मैं देखूँ कि 0 और 0.1 के दरमियान कौन से नंबर होंगे. 0 और 0.1 के दरमियान यहाँ पे होंगे 0.001. ठीक है, 0.01, फिर होगा 0.02, फिर होगा 0.03, फिर आगे चलता ही जाएगा. अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ, अगर मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले जाऊँ, अगर मैं देखूँ कि 0 और 0.1 के दरमियान क्या है, 0.01 और 0 के दरमियान कौन से नंबर होंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.001, 0.002, तो इसी तरह से आता ही जाएगा. चलो हम ये नंबर लेते हैं, इसके करीब ये नंबर लेंगे 0.001, और इस नंबर को यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि क्या आता है. ठीक है, तो अभी मैंने बताया इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से आप मोबाइल लीजिए, और यहाँ पे ये जो है आम कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए. तो इस तरह से यहाँ पे जो आता है साइन कोस वाला, ये वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको चाहिए. ठीक है, तो मैंने अभी बताया हमें क्या करना है. यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 0.001. ये ज़ीरो के बिल्कुल करीब है, ये ज़ीरो, डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच टू ज़ीरो, ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगी, ज़ीरो नहीं होगी लेकिन ज़ीरो के बिल्कुल करीब होगी. हम पुट करेंगे 0.001. ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं. तो हमारे पास ये क्वांटिटी है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ. ठीक है, तो चलो ई मैंने कहा था ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718. चलो पुट करते हैं 2.718. ठीक है, फिर है पावर, ई की वैल्यू पुट कर दी 2.718, उसकी पावर में हमने पुट करना है 0.001. पावर ये वाला है. ठीक है, पावर 0.001. ठीक है, कितना आया. ठीक, उसमें से क्या करना है, 1 को माइनस करना है. ठीक है, हमने कर दिया 1 माइनस 1. ठीक है, तो क्या आया, ये वैल्यू आया. अब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0.001, फिर से पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 0.001. देखिए कितना वैल्यू आया, 1.004. कितना वैल्यू आया, 1.0004. तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जब भी हम जो है
एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स की डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या वैल्यू आता है, हमारे पास यही वैल्यू जो है वापस लौट आती है। ठीक है, तो ये वाहिद ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे भी, इंटीग्रेशन करने पे भी यही वैल्यू हमें वापस मिलेगी। ठीक, आपके सिलेबस में जो इक्वेशन है वो है ई रेज पावर ए एक्स, हमने अभी किया ई रेज पावर एक्स, तो आपके सिलेबस में दिया गया है ई रेज पावर एक्स। अगर हम इसको फिर से बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या इनिशियल मेथड डिफरेंशिएट करें तो फिर से वही चीज़ करना है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, फ़र्क यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ इसको हमने यहाँ कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस इक्वेशन को फिर से वही इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो ई रेज पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनता था, ये हमारे पास वन आता था। तो हम यहाँ पे भी यही इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे डेल्टा एक्स था, सॉरी डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स के साथ साथ ए भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ नीचे भी ए आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए पुट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, इसी के साथ साथ न्यूमरेटर में भी हम ए पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी हम ए पुट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी, ये दोनों कट हो जाएगा, फिर से हमारा यही इक्वेशन वापस आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यही इक्वेशन बनेगा, तो ये पूरा किसके बराबर होगा, वन के बराबर, तो यहाँ पे हमारा आएगा ए इंटू ई रेस पावर ax। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी किसी इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, जैसे आपके पास फंक्शन हो, मान लेते हैं ई रेस पावर 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करके बताना है, आपको सिंपली फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं, ऐसे ही डिफरेंशिएट करके बताना है, तो इसको कैसे करना है डिफरेंशिएट, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल ट्रिक। आप जब भी ई रेज पावर एक्स मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हमने अभी किया था कि जब भी इस टाइप के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो यही वापस आता है, यही चीज़ वापस हमें मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हमें वापस मिलेगी, 2 रेज टू इंटू एक्स रेज पावर 2, यही चीज़ हमें मिलेगी। अब क्या करना है, अब इसको इंटरनली फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, 2x स्क्वायर, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो ये हमारे पास बनेगी 2 रेज पावर x स्क्वायर, ये तो ऐसे रहेगा, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये बाहर निकलेगी, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास फार्मूला है, एक्स रेज पावर एन को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास फार्मूला आता था nxn-1, तो यहाँ पे आएगा 2, एन की जगह पे क्या है, 2x 2-1 होता है, फिर ये बना 2 × 2 4x 2-1 हुआ, तो ये आया e 2x² × 4x, तो इस तरह से ये निकल आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय।